Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have discussed about the topic element, and in this video we will discuss about the compounds. So what is compound? A compound is a pure substance which is made up of two or more elements combined chemically in a fixed ratio by weight, and it can be broken down into elements by chemical methods only. Means कोई भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जो कॉम्बिनेशन होता है वो उनका फिक्स्ड रेशियो बाय वेट होता है, और हम इसको इजीली ब्रोक डाउन कैन बी इजीली ब्रोक डाउन इनटू एलिमेंट्स बट बाय केमिकल मेथड से हम इजीली इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, जैसे CO2, H2O. Characteristics of compounds are: it is homogeneous in nature, it has fixed composition by weight. For example, in water, hydrogen and oxygen are combined together in a fixed ratio, 1:8 by mass. यानी अगर इन नेचर से देखा जाए तो ये क्या होता है, होमोजेनस होते हैं. अगर इनका वेट से देखा जाए तो इनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है. कंपोजिशन फिक्स्ड होने का मतलब है कि ये हमेशा उसी प्रपोर्शन में ही मिक्स करके वो कंपाउंड बनाएंगे. सो वाटर H2O है, यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करेंगे तो 1:8 में, जैसे हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो चाहे 2:16 कहिए या 1:8 कहिए. कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन ओनली. जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं? एलिमेंट्स के, और वो केमिकल रिएक्शन करके ही बनते हैं. सो इनके कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड क्या क्या है? एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. इसके जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. केमिकल कंपाउंड को हम इजिली कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इंटू कंपाउंड कंपोनेंट एलिमेंट में हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. जैसे कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होगा, ऐसे ही हम उसके एलिमेंट्स को उसको अलग अलग भी कर सकते हैं बट बाय केमिकल मेथड से. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती है जो उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होगी उससे. जैसे वॉटर क्या है? वॉटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वेयर जबकि हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन कंबशन का सपोर्टर गैस है. लेकिन अगर हम बात करें वाटर की तो वायर क्या है? एक एक्सटिंग्यूशर. आग लगने पर हम वाटर डालकर उसको क्या करते हैं? बुझाते हैं. सेवन प्रॉपर्टीज दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज एकम्पनाइड बाय एनर्जी चेंजेस. जो भी कभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कुछ एनर्जी का चेंज ओवर होगा, और वो एनर्जी किस टाइप की होगी? टू टाइप्स की, एक होती है एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक. तो फर्स्ट एक्सोथर्मिक क्या होती है? जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड क्लासिफाइड. जैसे हमने कैंडल जलाया तो कैंडल के जलाने से हमें रोशनी भी मिलती है और हीट भी मिलती है. सो लाइट एंड हीट बोथ मिलता है, तो ये दोनों बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वेयर इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर आपने सुना है कि जब तक उनको सोलर एनर्जी यानी सनलाइट से एनर्जी वो नहीं लेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा. तो जो जहां पर हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एट दिस अ कंपाउंड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसके अपने ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, मिक्सचर्स. मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर इज अ मटेरियल ऑब्टेन बाय मैकेनिकली मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन. हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर्स किसी भी प्रोपोर्शन के हो सकते हैं, उनको हम किसी भी तरीके से मिक्स कर सकते हैं. एलिमेंट मोर सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेपर. जबकि आपको पता है कि एयर में कितनी सारी गैसेज हैं, सबका रेशियो सेम नहीं होता, सबका अलग अलग परसेंटेज है एटमोसफेयर में. स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स. गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस, सल्फर एंड चारकोल. एज गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस, सल्फर एंड चारकोल.
गन पाउडर किस किस का मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ नाइटर, सल्फर एंड चारकोल का। ब्रास किसका मिक्सचर है? कॉपर एंड जिंक का। तो ऐसे ही हम सेवरल एलिमेंट्स को अगर मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। सो टाइप ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स कैन बी टू टाइप्स ऑफ, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली एंड हैज द यूनिफॉर्म कम्पोजिशन थ्रू आउट, इट्स कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। जब हम होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे तो ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजेनस कह सकते हैं जिसमें उसके पार्टिकल बिल्कुल भी हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हो, बिल्कुल भी सेपरेट ना दिखाई दे। एज फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। जैसे देखिए, कॉपर, आप ब्रास की कोई भी वेसल्स को लेंगे या कोई भी चीज जो ब्रास की बनी हो उसमें आप कॉपर और जिंक अलग अलग नहीं बताएंगे कि ये कॉपर है ये जिंक, आप पता ही नहीं कर सकते। तो ऐसा जो भी मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं होमोजेनस। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि उसके अंदर हमने कुछ डिजोल्व किया, अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो। सो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कह सकते हैं? होमोजेनस सॉल्यूशंस या होमोजेनस मिक्सचर्स। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली, जिसके जो मिक्सचर्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कम्पोजिशन थ्रू आउट, इट्स कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। उसके एलिमेंट्स हमें सेपरेटली दिखेंगे, जैसे सॉइल इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अ कॉमन मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, सैंड एंड सल्फर इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेयर आप देखते हैं सॉइल एंड वाटर, आपको उसके पार्टिकल्स नजर आएंगे। सो जब पार्टिकल्स अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसी हेट्रोजेनस की थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होता है वो थ्री टाइप्स का होगा, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है, तो इवेंटली अगर हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो एक हमें बिल्कुल दिखेगा नहीं। जैसे देखिए, व्हेन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज सो स्मॉल एंड दैट इज मिक्स इवेंटली विद द सॉल्वेंट पार्टिकल एंड इज परसीव्ड एज सिंगल कंपोनेंट सच एज सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या है? जैसे देखिए, हमने एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें हमने एक टेबलस्पून उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, तो जो वाटर था उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट और सॉल्ट को क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और जो दोनों को मिक्स करने पे हमें जो मिल रहा है उसको कहेंगे सॉल्यूशन। यानी जब किसी लिक्विड में कोई हम दूसरी चीज ऐड कर रहे हैं तो जिसमें हम ऐड कर रहे हैं वो क्या हुआ? सॉल्वेंट। और जिसको ऐड कर रहे हैं वो क्या हो गया? सॉल्यूट। सो कंप्लीट क्या हो गया? सॉल्यूशन। हेयर NaCl इन वाटर, तो अब ये दो NaCl वाटर में डिजोल्व हो चुका है, तो ये क्या हो गया? एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अ पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके बेटा, नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? व्हेन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अब इनके जो पार्टिकल्स होंगे, साइज ऑफ पार्टिकल्स होगी वो थोड़ी बड़ी होगी ट्रू सॉल्यूशन से, ग्रेटर देन दैट ऑफ पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशन, विच मेक इट टू बी परसीव सेपरेटली, जिससे हम दो में से एक को महसूस कर सकते हैं कि इसमें अलग अलग है, कर सकते हैं। बट द सोल्यूट पार्टिकल्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो उसके इतने इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं उस सोल्यूशन के कि हम उसको फिल्टर करके, मतलब कि वो इसमें इतने अच्छे तरीके से घुल जाते हैं कि हम उनको फिल्टर करके भी अलग नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। So, in colloidal solutions, when the size of solute particles is greater than that of particles in true solution, which makes it to be perceived separately, but the solute particles become an integral part of the solution and cannot be filtered. आप colloidal solution को समझने के लिए हम सबसे easy जान सकते हैं कि ऐसा एक mixture तैयार हो जाए जिससे अब हम उसको हम filter करने पर भी उसके part को अलग नहीं कर सकते। उसके जो साइज होती है सॉल्यूट पार्टिकल्स की वो बहुत, पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, जितना ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की सॉल्यूट की साइज से उससे तो बड़ी होगी, जिससे हम पता लगा सकते हैं मेक इट परसीव्ड सेपरेटली कि वो उससे थोड़ा सा आपको सेपरेट दिखेगा। जैसे हमने अगर वाटर में मिल्क ऐड कर दिया तो हमें लगेगा कि हमने वाटर में मिल्क ऐड किया, लेकिन हम उसको
फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको हम उसके सॉलिड पार्टिकल्स को सॉल्वेंट पार्टिकल में से डिफ्रेंशिएट अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मिल्क इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम आयन, शुगर एंड अदर विटामिंस इन वाटर विच कैन बी फिल्टर्ड हेंस विच कैन नॉट बी फिल्टर्ड हेंस इट इज नोन एज कोलाइडर सोल्यूशन. मिल्क के अंदर देखिए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कैल्शियम के आयन्स होते हैं, शुगर होता है, अदर विटामिंस विटामिंस प्रेजेंट होती हैं वाटर इन वाटर में, बट हम क्या कर सकते हैं उसको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू. सो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन विच कैन नॉट बी फिल्टर्ड, सो दैट इज नोन एज कोलाइडर सोल्यूशन. सस्पेंशन क्या होगा, वेन अ सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिग एनफ, सोल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो थोड़ी साइज उनकी बिग होगी, बड़ी होगी, परसीव सेपरेटली एंड कैन बी फिल्टर्ड. आप इसको अलग से देख भी सकते हो और इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं, लीविंग सॉल्यूट पार्टिकल एज ए रेसिड्यू. जब आप उसको फिल्टर करेंगे तो आपके ऊपर जो बच जाएगा वो उसको हम बचे हुए पार्ट को क्या कहेंगे, रेसिड्यू. सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज सस्पेंशन. ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन. हियर एग्जांपल, सॉडस्ट इन वाटर, यू आर ऑब्जर्विंग जो सॉडस्ट है वो आपको अलग अलग से आपकी आईज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि देयर इज समथिंग डिफरेंट मिक्स इन वाटर. सो सॉडस्ट मिक्स है इन वाटर में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर. सो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय वेट. सो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर्स के प्रेजेंट होंगे वो देयर कंस्टिट्यूशन ऑफ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय वेट. जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होती हैं चीजें हम कह सकते हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकती हैं. अगर दूसरी बात करते हैं हम केमिकल मिक्सचर की, तो दे आर नो केमिकल बॉन्डिंग का कोई इसमें प्रोसीजर नहीं है, उसमें कोई बॉन्डिंग की नीड नहीं होती. द मिक्सचर्स होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं. देर इज नो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर. इसमें एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, यहां ही फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर. फिफ्थ है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू इसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं. द मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हम इसके आप अगर देखेंगे तो इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. And mixtures may be of two types, homogeneous and heterogeneous, whereas heterogeneous is also categorized in three types, that is true solution, suspension and collider solution. True solution जिसकी size बहुत छोटी होती है, हम even उसके particles को mix करने के बाद सिर्फ हमें दो में से एक ही चीज दिखाई देगी. Collider solution में true solution से थोड़े बड़े particles होते हैं लेकिन हम उसको filter करके separate नहीं कर सकते हैं. But the last but not the least, that is suspension, जिसके पार्टिकल्स को हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं. लास्ट में जो फिल्टर पे बचता है हम उसको रेसिड्यू कहते हैं. और इतना ये भी, उसकी जो साइज होती है सॉल्यूट पार्टिकल्स की वो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़ी होती है, बिग एनएफ होती है कि जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली.